राम साहब, क्या नाम है तुम्हारा? पप्पू सिंह। ठीक है, बाहर जाओ। जी। गेट आउट। तो खबर सच निकली, जेल को अय्याशी का अड्डा बना रखा है। क्या बात है, टीवी, वीसीआर, विस्की, इंपोर्टेड सिगरेट्स। तो तुम हो राजू भटनागर? जी। बच्चों को किडनैप करने वाले करप्ट ऑफिसर्स को रिश्वत देकर जेल के कमरों में फाइव स्टार होटल का कमरा बनाकर रहने वाले? हाँ जी, मैं उन तमाम करप्ट ऑफिसरों को आज के आज सस्पेंड करा दूंगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, अपनी कीमत बोलो। क्या? अरे तुम मुझे खरीदना चाहते हो? दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है ऑफिसर, खरीदार होना चाहिए। वैसे भी राजू भटनागर को वर्दियां खरीदने का बहुत शौक है। तुम सेंटर के आदमी को रिश्वत देना चाहते हो? ये स्पेशल चेकिंग है, समझे? मिस्टर राजू भटनागर, तुम्हें पता नहीं है कि सरकारी ऑफिसर के साथ बदतमीजी करने का क्या अंजाम हो सकता है। अब तुम्हें जिंदगी भर जमानत नहीं मिलेगी। सर, इसे तो सीधा अंडा सेल में डालवा दीजिए। डेफिनेटली, इसको पता नहीं हमारा पावर क्या है। पहले जेल से निपट लेते हैं, फिर इसको बताते हैं। पहले सामान उठाओ, सब लेके चलो यहां से। अरे अब क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे जेल के अंदर तीन ऑफिसर हैं और मुझे खबर तक ना हो। उन तीनों की वर्दियों को देखकर तो ऐसा लगता था पेरूमल साहब कि वो जरूर किसी बड़े रैंक के ऑफिसर हैं और किसी स्पेशल राउंड के लिए आए हैं। कोई राउंड वाउंड पर नहीं आया था। मेरा दावा है कि वो सारा सामान इसी जेल में मौजूद है। तुम उन लोगों को पहचान तो लोगे ना? ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं तुम्हें जेल में राउंड पर लेकर चलता हूं। देखते हैं, चलो मेरे साथ। ठीक से काम कराओ, ध्यान से देखो, इनमें से तो कोई नहीं है ना? हाँ। चलो। पीकर विस्की राजू की, पीके सिगरेट फॉरेन की। आ गई मुसीबत हम सब की। तुम तीनों चिंदी चोर, अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम तीनों को अंडा सेल में बंद करा दूंगा। ओ साहब, ये हुल झपाट किसको दे रहे हो? चिंदी चोर किसको बोल रहे हो? हम चिंदी चोर है तो तुम कफन चोर है। अगर तुम्हारी नारकतों का पता ऊपर वाले साहब को चल गया ना, तो तुम्हारी वर्दी दो मिनट में उतर जाएगी और धोने के लिए इसके पास आएगी। और स्त्री के लिए इसके पास, और मैं स्त्री से जला डालूंगा। बकवास बंद करो। अरे भड़को मत साहब, पहले हमारी बात तो सुनो। हाँ। क्या हम तीनों की थोड़ी कमजोरी है? जैसे मैं वीसीआर पे जब तक फुल नाइट पिक्चर नहीं देख लूं, मेरे को तो नींद नहीं आती है। और अपुन का क्या है साहब, जब तक अपुन के गले के गटर में दो चार घुट नहीं जाते ना, अपुन के दिमाग की घंटी नहीं बजती। हाँ। और अपना तो पीढ़ी से भी काम चल जाता है। हाँ। लेकिन जब इम्पोर्टेड सिगरेट देख लेता हूँ ना, तो दिल मचलना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या सोचा कि हम सब जेल में तो है, तो वो माल हमारे कमरे मेरे हुए या इनके कमरे मेरे हुए तो क्या फर्क पड़ता है। थोड़े हाथ की चालाकी दिखाया, थोड़ा खोपड़ी का कमाल दिखाया और माल को इधर से उधर चंपत कर दिया। तो कुछ गलत किया साहब? बिल्कुल ठीक किया। बोलो साहब। मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ ना। एक मिनट जेलर साहब, आप जरा शांत हो जाइए, ये हमारे आपस का मामला है, आपस में ही निपटा लेंगे, क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक ख्याल।